ब्लड बहुत ज़्यादा गिर गया है, एक्सीडेंटल केस है। डॉक्टर प्रेम सर को बुलाकर लेके आइए। डॉक्टर प्रेम सर कहाँ है, आपने देखा? नहीं। डॉक्टर प्रेम सर कहाँ है, आपने देखा? डॉक्टर प्रेम सर ऑपरेशन थिएटर में हैं। इमरजेंसी केस है, एक्सीडेंट केस। कहाँ पे है? नीचे में इमरजेंसी केस है, आप मेरे साथ चलिए। डॉक्टर साहब! ये एक्सीडेंटल केस है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। पेशेंट के साथ कौन आया है, इनसे फॉर्म भरवाइए और पेशेंट को अंदर ले चलो। सर, अब वो कैसी है? घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंट खतरे से बाहर है। सर, नीचे पुलिस इंस्पेक्टर आए हैं, पेशेंट से मिलना चाहते हैं। उनसे बोलिए पेशेंट अभी बेहोश है, कुछ देर बाद लाके मिले। भाई, हम दोनों का काम था जान बचाना, जो हम दोनों ने अपना काम किया। बीच रोड पे घायल पड़ी हुई थी, सब फोन से वीडियो बना रहे थे पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन तुमने सही समय पर प्रेमा मल्टी हॉस्पिटल में फोन करके एम्बुलेंस बुला लिया। वेरी गुड। हाँ, अब जब जान बची गई है तो फालतू में पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ना। हाँ, और हम लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है कि कौन है, कहाँ से है। हेलो डार्लिंग। पेशेंट का नाम बताइए। जब तक तुम खाना मनीष भाई, मैं भी नहीं खाऊंगी। वो पेशेंट का नाम क्या है? अरे अंजलि, तुम बाबू प्लीज तुम खाना खा लो। हाँ, अंजलि नाम है। पता मनीष भाई, उसका पता? अरे मुझे नहीं पता यार, मैं वहाँ नहीं था। उसे नहीं पता। रिसेप्शन काउंटर पे जाके बिल जमा कर दीजिएगा और एड्रेस लिखवा लीजिएगा। अरे मजनू की छठी औलाद, पुलिस के लफड़े में क्यों पड़ना, चल निकल जल्दी यहाँ से। यस सर। कोई पेशेंट का एक्सीडेंटल केस आया है क्या? यस सर। इंस्पेक्टर साहब आए हैं मिलने, मरीज का फाइल लेकर आइए। सर, फाइल में पेशेंट के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। क्यों? सर, जिन लोगों ने पेशेंट को हॉस्पिटल में लेकर आए थे वो तो भाग गए। भाग गए? कौन सा डॉक्टर इलाज किए थे? सर, डॉक्टर प्रेम सर ने। डॉक्टर प्रेम को बुलाइए। यस सर। हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाने के बाद उसके परिजन भागे क्यों? हो सकता है सर पेशेंट का परिजन नहीं हो सकता है पुलिस के डर से भाग गए हो। आपने बुलाया सर? वो जो एक्सीडेंटल केस आया है उसका क्या कंडीशन है? सर, पेशेंट का नाम अंजलि है और भी वो खतरे से बाहर है। इंस्पेक्टर साहब मिलना चाहते हैं। सर, उनके सर पे बहुत ज्यादा गहरी चोटें हैं सर, इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब को मिलने की इजाजत नहीं दे सकता। पेशेंट को लाने वाले हॉस्पिटल से भाग गए, पेशेंट का बिल क्लियर कैसे होगा? सर, आप तो जानते हैं कि प्रेमा मल्टी हॉस्पिटल में आज तक जो भी पेशेंट आया यहाँ से ठीक होकर बाहर गया है, चाहे उसके बाद पैसा हो या ना हो, और हमारा उद्देश्य मरीजों की जान बचाना है। रही बात पैसों की सर, तो आधा आप कर लीजिएगा, आधा मैं कर दूंगा। ओके ओके सर। गुड मॉर्निंग। अभी आप कैसा फील कर रही हैं? उठिए मत। मैं हॉस्पिटल में कैसे? 3 दिन पहले 2 लड़के आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे और आप बहुत बुरी तरह से जख्मी थी, और जिन लड़कों ने आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे वो भाग गए थे। और तब से डॉक्टर प्रेम आपके हॉस्पिटल का खर्च उठा रहे हैं। डॉक्टर प्रेम कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, बुला कर लाते हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराती भी अच्छी लगती है। आप? मैं आपका दोस्त, और हमारी दोस्ती कहती है कि हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना चाहिए। आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ। कॉलेज के पीछे कुछ लोग ड्रग सप्लाई कर रहे थे। उन्हीं की काले करतूतों का वीडियो बनाकर मैं पुलिस को देने जा रही थी। भौंक दे साली को। इतना दर्द खुद में समेटे हुए, फिर भी इतना शांत और मुस्कुराते हुए। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो चीखने चिल्लाने से नहीं जाते। सर, डॉक्टर निशांक सर आपको बुला रहे हैं। एक पुड़िया भैया, एक पुड़िया, एक पुड़िया भैया, एक पुड़िया। माल लाया है? माल माल नहीं है। पुड़िया के लिए पैसे लगते हैं, पैसे। पैसा पैसा तो है भैया, पैसा तो है। पैसा है भैया, दे दो ना। इतना में तो सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। चल दे दो ना भैया, दे दो ना। चल भाग, दे दो ना भैया, भैया दे दो ना। निकल, चल चल चल, उठ, चल निकल निकल। दे दो ना भैया, पुड़िया के लिए पैसे चाहिए, पैसे। देते हैं पैसे भैया, देने में क्या होगा? आज के बाद चेहरा तभी दिखाना जब तेरे पास पैसे हो। चल निकल, चल निकल। इस बार फिर माल कम पड़ गया। मैंने फोन किया था, आज माल बॉर्डर से निकल जाएगा। मुझे चरस गांजा, अफीम, ड्रग्स का काम पलामू में ही नहीं पूरे इंडिया में करनी है। इंडिया में उसके लिए हमें युवाओं को इसकी लत लगानी होगी। अब टारगेट कॉलेज के बच्चों को नहीं, स्कूल के 8वीं 9वीं स्टूडेंट को करो। ये नई पीढ़ी है, हमारा कारोबार बहुत आगे तक ले जा सकती है। सही बोला। आज मिठाई किस खुशी में? जब भी इस हॉस्पिटल में लड़की का जन्म होता है तो प्रेम सर मिठाई बंटवाते हैं। ये कौन है? ये सीनियर डॉक्टर है, इनका नाम निशांक है, राउंड पे आए हैं। कैसा फील कर रही है? ठीक हूँ डॉक्टर। सिस्टर, बिल में डॉक्टर प्रेम लिखा हुआ है। जिन्होंने इन्हें एडमिट किया था वो भाग गए थे, तब से डॉक्टर प्रेम इन्हें एडमिट किए हैं और बिल भी वही पे कर रहे हैं। कितने लोगों की मदद करता रहेगा प्रेम। एक चांद उधर, एक चांद इधर, उस चांद से ज्यादा ये चांद हंसी। रात भर यहीं थे? जाना तो मैं कब से चाह रहा था, पर यह दिल कहीं रुक सा गया। कैसा फील कर रही है? ठीक हूँ डॉक्टर। ठीक है, कल आपको डिस्चार्ज कर देता हूँ। ओके। आज मैं जा रही हूँ। कहाँ? अपने गांव। मुझे छोड़कर? आपका फोन मिल सकता है क्या? हेलो पापा। हाँ बोलो बिटिया। पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अभी तुम कहाँ हो? प्रेमा मल्टी हॉस्पिटल में हूँ। मैं आ रहा हूँ लेने। हाँ ठीक। पापा आज ही गाँव से निकल रहे हैं। मुझे लेने के लिए 2 दिन लगेगा उन्हें आने में। अभी आप कहीं नहीं जाइएगा, अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आपके घर? आपके घर में कैसे जा सकती हूँ? क्यों, मैं आपका दोस्त नहीं? ऐसी बात नहीं है। दोस्त भी कहती हैं और दोस्त का रिक्वेस्ट को नामंजूर भी करती हैं। दोस्ती में कभी ना नहीं होता। ओके। ठीक तो है ना? आप यहाँ बैठिए, मैं गाड़ी निकाल के लाता हूँ। डॉक्टर प्रेम सर आएंगे तो उनको बोलिएगा डायरेक्टर सर बुलाए हैं। मैं नहीं जानती प्रेम सर कौन है, मैं खुद उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो अभी जो आपको लेकर आए थे ना, वही डॉक्टर प्रेम सर हैं। चलिए। अभी नीचे जो देखे वो मेरा डाइनिंग रूम है और ये मेरा कमरा है, और आज से आप यहीं रहिएगा। तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। कपड़े? ओह शिट, कुछ दिन पहले मेरी बहन आई थी, उसका ड्रॉज में कुछ कपड़ा है, मैं आपको देता हूँ। जी। लीजिए, तब तक आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ठीक है। मेरी बेटी रानी कहाँ है? कौन रानी? रानी बिटिया तो बताई थी कि प्रेमा मल्टी हॉस्पिटल में भर्ती है। अच्छा रुकिए, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। इस नाम का तो कोई पेशेंट नहीं है। नहीं है? ठीक से देखिए। रानी के नाम से तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले अंजलि के नाम से एक एक्सीडेंटल केस आया हुआ था। अंजलि? हमारी बेटी का नाम रानी है। आपको कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है। बुलाइए उन्हें। हेलो सर, अंजलि के पापा आए हैं हॉस्पिटल में। क्या? अंजलि के पापा आए हैं? आप अंजलि को लेकर हॉस्पिटल आइए। ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ। ये वही लोग हैं। हाँ। अच्छा, स्टेशन, यहाँ लड़ाई हो रही है। जल्दी प्रेमा हॉस्पिटल में थोड़ा आइए। ले जाओ चालों को। पापा, चलो बेटी घर। पापा, ये डॉक्टर प्रेम है, इन्होंने ही। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो भी खर्च लगा हुआ है हम देने के लिए तैयार। एक तरफ आप बेटा भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप धन्यवाद देकर हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। पैसों की इसमें कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। मैं ज्यादा अमीर नहीं हूँ, आप जो मांगिएगा दूंगा। तो मुझे आपकी बेटी अंजलि चाहिए। अरे हॉस्पिटल वाले तुम्हारा नाम अंजलि रख दिया है, तुम्हारा नाम तो रानी है ना। हमारी एक ही बेटी थी, आपके हवाले किया।